मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश विद्युत विभाग के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, टेस्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। तो इसमें बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हैं, तो मैं एक एक करके नोटिफिकेशंस पे जाऊंगा, ठीक है। तो आप जैसे ही आप स्टार्टिंग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये गवर्नमेंट सरकारी नौकरी है आपकी। तो बेसिकली इसके अंदर नॉट नॉन गेट क्वालिफाइड, जिन्होंने गेट क्वालिफाई नहीं किया है और या फिर क्वालिफाई किया भी है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत बम्पर वैकेंसी कह सकते हैं आप, ये आ रखी हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 18, एससी के लिए 14, एंड एससी के लिए 4, एंड ओबीसी के लिए 9। और जूनियर इंजीनियर डी के अंदर है और टेस्टिंग असिस्टेंट के अंदर है। तो मैं इसकी रिक्रूटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जा सकते हैं। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट में जैसे आप पढ़ सकते हैं कि कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो लिखा है बिल्कुल आपका मेंशन किया हुआ है, और कहीं भी नहीं लिखा है कि गेट क्वालिफाइड है कि अनक्वालिफाइड है चाहिए आपको, इसमें कुछ भी लिखा है। तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को जूनियर इंजीनियर के अंदर। और फिर आता है आपका, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट। एंड बेसिकली टेस्टिंग असिस्टेंट ट्रेनी की भी पोस्ट निकली है इसके अंदर। तो टेस्टिंग असिस्टेंट के अंदर आपका 10th पास होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मेरे ख्याल से इसमें है। तो आप प्लीज़ इस एडवर्टाइजमेंट पर जाइए, एक बार देख लीजिए। तो आपकी बहुत बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसका बेसिकली रिटन एग्ज़ाम होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है, और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया उसके अंदर, तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी हो जा सकता है, और आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा SC ST OBC वालों को। तो बेसिकली फिर इसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मे बी शायद मेडिकल भी हो। तो आप एक बार इसको एडवर्टाइजमेंट को सही से पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और बेसिकली असिस्टेंट इंजीनियर की भी निकली हुई है, तो बहुत सारी निकली हुई, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि और कौन कौन जॉब निकली है। देखो, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की निकली हुई है, अनरिजर्व के लिए 3, ST के लिए 1, SC के लिए 2, OBC के लिए भी 1। तो ये सेम कंपनी है आपकी, तो सेम यही लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के अंदर ही असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सबकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आई है। कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको पता करना है कैसे अप्लाई करना है, आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बता सकते हैं। मगर इसके अंदर जो आपका गेट क्वालिफाइड लिखा हुआ है कि उनको गेट दिया होना चाहिए 2018 का, या फिर 2016, 2017, 2018, कोई भी हो सकता है ईयर, वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। बेसिकली जूनियर इंजीनियर के लिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप भर सकते हैं। और फाइनल ईयर में है तो भी आप भर सकते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ ऑल मैं इलेक्ट्रिकल की सारी रिक्रूटमेंट बताऊंगा, जो इलेक्ट्रिकल निकली है, और ऊपर नीचे कुछ एक्स्ट्रा निकलती है तो मैं वो भी बताऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस आने के लिए, और मैं देखता हूँ इसमें बहुत बहुत सारी, मैं बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट आ रखी है। तो आप एक बार उसकी साइट पर चले जाइए, मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, तो एक बार आप देख लीजिए वो क्या क्या मेंशन कर रखा है उस साइट पर उसने, ठीक है। मैं इतनी सारी वेबसाइट, इतनी सारी वो आपकी वैकेंसीज निकली है, तो मैं उसको डिस्प्ले भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर IT के भी निकली है, इलेक्ट्रिकल की है, JEE में, AE में, IT में असिस्टेंट इंजीनियर की है, अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट ऑफिसर में कोई भी, जिसका कोई भी क्वालिफिकेशन, सबके सब अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, CA वाले हो गए, और आपके जैसे असिस्टेंट इंजीनियर IT में, IT में क्या CS और IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, मगर उनके पास गेट स्कोर होना चाहिए। बेसिकली ये है कि असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर गेट स्कोर होना चाहिए, और जूनियर इंजीनियर के अंदर गेट स्कोर की कोई ऐसी नीड नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर डायरेक्ट चले जाइए, एडवर्टाइजमेंट देखिए, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस और फ्यूचर में आती रहेंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट्स अ न्यूली मॉडिफाइड चैनल फॉर ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल्स, बट मैं जो जॉब निकलेगी BTech में कोई भी, तो मैं सबको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो नीचे सब्सक्राइब में नीचे कमेंट आता है, तो मेरे को कमेंट करके बताइए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आई विल श्योरली सॉल्व।